तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ड्रैगन बॉल फ्यूजन के बारे में। तो ड्रैगन बॉल बहुत ही ज्यादा तगड़ा है इनमें, जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जी फाइटर्स भी है। बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाए तो हमारे ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स कभी कभी मर्ज भी कर लेते हैं। इसका मतलब कि दो कैरेक्टर एक ही बॉडी में आ जाते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के पावर का यूज करते हैं, दोनों एक काइंड ऑफ एक ही बींग बन जाते हैं एंड इससे उनकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है एंड वो किसी भी तगड़े से तगड़े अपोनेंट को हरा सकते हैं। तो आज हम रैंक करने वाले टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन इन ड्रैगन बॉल। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दें एंड कोई तगड़ा कमेंट कर दें नीचे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो नंबर 5 पे आता है गोटेंक्स। इसमें गोटेन एंड ट्रंक्स का फ्यूजन होता है एंड गोटेन एंड ट्रंक्स बचपन से ही फ्यूजन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो दोनों फ्यूजन बहुत ज्यादा कंपेटेबल है एंड वो दोनों साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एक टाइम पे उन्होंने सुपर साइयन 3 भी अचीव कर लिया था साथ मिलकर, जो कि उस टाइम पे वेजिटा ने भी अचीव नहीं किया था। एंड इनका नंबर 5 पे आना ये मीन नहीं करता कि ये बहुत ज्यादा वीक है, इनका फ्यूजन बहुत स्ट्रांग है, बट इसका मतलब ये है कि इससे आगे आने वाले लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हमने इनके फ्यूजन के सबसे ज्यादा पावर बू सागा में देखी है, जिसमें इन्होंने मिलकर बू को भी बहुत ज्यादा टक्कर दी थी। एंड इनका फ्यूजन बहुत ज्यादा फनी भी रहता है, कभी कभी फ्यूजन करते करते बहुत ज्यादा मोटे बन जाते हैं एंड कभी बहुत ज्यादा पतले बन जाते हैं। एंड इनके अटैक्स के नाम भी बहुत ज्यादा फनी होते हैं, डाई डाई मिसाइल, सुपर कास्ट, कामिकाजे, बहुत ज्यादा फनी होता है। तो ये बहुत ज्यादा तगड़ा फ्यूजन है। तो नंबर 4 पे आता है वेजिटो। तो वेजिटो बहुत लोग का फेवरेट फ्यूजन है एंड आप लोग में कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि वेजिटो इस लिस्ट में और हाई आना चाहिए, बट सच यही है कि वेजिटो यही प्लेस डिजर्व करता है, क्योंकि वेजिटो को कभी हमने सुपर सैयन ब्लू या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाते हुए नहीं देखा। वेजिटो हमेशा से हाईएस्ट सुपर सैयन गॉड फॉर्म में गया है एंड गॉड फॉर्म में भी उसने कभी मर्ज जामासु को नहीं हराया एंड इसीलिए वेजिटो इस जगह पे रैंक करता है। एंड देन नंबर 3 पे आता है गॉड हिमसेल्फ मर्ज्ड जामासु। एंड अगर आप ड्रैगन बॉल देखते हैं तो मुझे आपको इसकी पावर तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल जाता है कि इसे हराने के लिए जेनो को आना पड़ता है एंड जेनो इसे पूरे अच्छे तरीके से खत्म कर पाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मर्ज जामासु कितना ज्यादा पावरफुल है एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अपने एक अटैक से पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को फाड़ के रख देता है। तो ये बहुत स्ट्रांग है, बट इसकी एक ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं टॉप 5 स्ट्रांगेस्ट फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन यहाँ पे आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए, बट मर्ज जामासु में एक प्रॉब्लम है कि मर्ज जामासु की एक बॉडी इमॉर्टल है एंड एक बॉडी मॉर्टल है, तो ये उसे एक मेजर डिसएडवांटेज प्रोवाइड करती है एंड इसीलिए नंबर 2 पे आता है, या नंबर 2 पे आती है केफला। केफला वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट अपोनेंट रही थी गोकू की इन टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर बहुत तगड़ा था एंड उसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, बट केफला आई गेस 3rd या 4th में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट थी। एंड हम बात करें कि वहां पे जीरेन था एंड अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू था एंड केफला उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी एंड वहां पे दो सैयंस का कॉम्बिनेशन एक टाइम पे गोकू को भी ओवर पावर कर रहा था एंड कोई नॉर्मल गोकू को नहीं, वो अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को भी एक टाइम पे ओवर पावर कर रही थी, बट फिर हमारे गोकू ने किसी तरह उसे हरा ही दिया। देन फाइनली हमारे पास नंबर 1 पे आता है, यस यू गेस्ड इट राइट, गोजीटो। तो हमारा गोजीटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने इसे सुपर सैयन ब्लू में भी जाते देख रखा है एंड बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि शायद गोजीटा ही वो कैरेक्टर है जो बीरस को किसी तरह टक्कर दे सकता है एंड हरा सकता है। एंड हमें इसकी फुल एक्सटेंट तो अभी तक दिखाई नहीं गई है, बट इसके पावर का हम अंदाजा वहां लगा सकते हैं कि उसने फुल रेज ब्रोली से फाइट करके उसे हरा रखा है एंड ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा फीट है। एंड अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली केफला एंड मर्ज जामासु से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली हमारे दो मेन कैरेक्टर्स मर्ज हो रहे हैं। बट बहुत लोग ये भी बोले हैं कि शायद मर्ज जामासु यहाँ आ सकता था, बट वही उसकी मॉर्टल एंड इमॉर्टल वाले फैक्टर ने उसे थोड़ा पीछे रख रखा है। तो यही थी वीडियो अबाउट टॉप 5 फ्यूजन इन ड्रैगन बॉल। तो आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर बताएं एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा क्लोज है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।